आज की कहानी का नाम है ब्राह्मण और ठग। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा सरल और सीधा था। एक बार वह अपने यजमान के यहाँ से एक बकरी का बच्चा लेकर आ रहा था। रास्ता काफी लंबा था। उसने सोचा इतनी दूर बच्चा चलने से थक न जाए, इसलिए बकरी के बच्चे को उसने अपने कंधे पर रख लिया। रास्ते में कुछ दूर चलने पर उसे तीन ठग मिले। ठगों ने आपस में सलाह की, सोचा किसी तरह इस ब्राह्मण से यह बकरी का बच्चा लिया जाए। इस तरह तय करके वे तीनों ठग रास्ते में कुछ कुछ दूर पर खड़े हो गए। ब्राह्मण जब पहले ठग के पास से निकला, तब पहला ठग बोला, पंडित जी राम राम, कहिए महाराज, यह कंधे पर कुत्ता कहाँ से ले जा रहे हैं? ब्राह्मण सुनकर चौंका। उसने बकरी के बच्चे को देखा और बोला, भाई यह कुत्ता कहाँ है, यह तो बकरी का बच्चा है। ठग बोला, महाराज नाराज ना हो, मुझे जो लगता है वही मैंने कहा है। आप किसी और से पूछिए कि यह कुत्ता है या बकरी का बच्चा है, आपको किसी ने धोखा दिया है, यह तो कुत्ता है। ब्राह्मण ने कहा, भाई मुझे तो विश्वास नहीं होता, मैं तो बकरी का बच्चा ही लेकर चला हूँ। ऐसा कहकर ब्राह्मण आगे बढ़ा। थोड़ी दूर बाद उसे दूसरा ठग मिला। देखते ही बोला, पंडित जी कहाँ चले, आज यह कुत्ता कहाँ से ला रहे हैं? ब्राह्मण यह सुनकर फिर चौंका। उसने बकरी के बच्चे पर निगाह दौड़ाई, बोला, भाई यह बकरी का बच्चा है, कुत्ता नहीं है, तुम भूलते हो। ठग बोला, महाराज आप सीधे साधे आदमी हैं, आपको किसी ने धोखा दिया है, इसे जरा गौर से देखिए, साफ कुत्ता है, अपने पवित्र शरीर से इसे उतार दीजिए, मैं आपसे ठीक कह रहा हूँ। ब्राह्मण कुछ क्षण रुका। उसने फिर एक बार अच्छी तरह बकरी के बच्चे को देखा। इतने में तीसरा ठग वहीं आ गया। बोला, ब्राह्मण देवता, आज आपने यह कुत्ता क्यों कंधे पर रख लिया है? आप ब्राह्मण हैं, कुत्ता चांडाल जीव है, छी छी कैसा पाप करते हो, उतार दीजिए इसको और स्नान कीजिए। ब्राह्मण चक्कर में पड़ गया। उसे विश्वास हो गया कि उसे धोखा हो गया है, कंधे पर बकरी का बच्चा नहीं रखा है बल्कि कुत्ता है, क्योंकि उससे तीन आदमियों ने एक ही बात कही थी। उसने बकरी के बच्चे को कंधे पर से उतार दिया और वह उसे रास्ते में ही छोड़कर यजमान के घर चल दिया। ब्राह्मण के जाते ही ठगों ने बच्चा उठा लिया और खुश होकर लौट आए। यजमान के घर पहुंचकर ब्राह्मण ने सारी घटना सुनाई। यजमान ने सुनकर कहा, महाराज आपको उन धुर्तों ने ठग लिया है, वह बकरी का बच्चा ही था, कुत्ता नहीं था। आदमी को कभी किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, उसे सदा अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। जो लोग दूसरों की झूठी बातों में फंस जाते हैं, उनका यही हाल होता है। अब ब्राह्मण अपनी भूल पर पछताने लगा। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए, दूसरों की झूठी बातों में नहीं आना चाहिए। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।